दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम वसीम अकरम। 6 जून को हमारे देश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले 3 सुरक्षा कर्मियों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस ने यह कार्रवाई लखनऊ स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से की। हैरानी की बात यह है कि यह न्यूज बिग स्क्रीन मीडिया से गायब है। ऐसा क्यों है? इन 3 में से 1 आर्मी एमिशन डिपार्टमेंट का सुरक्षा कर्मचारी विकास कुमार और 1 सेना के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 1 संविदा कर्मचारी चिमनलाल और 1 अन्य व्यक्ति है। इस पूरे मसले पे बिग स्क्रीन मीडिया चुप क्यों है? ना तो किसी न्यूज चैनल्स पे इसको लेके डिबेट्स है, ना चर्चा हो रही है। क्या इसलिए कि इनका नाम विकास और चिमन था, रहीम और इकबाल नहीं? क्या हमारी मीडिया सिर्फ किसी एक धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती है? क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार देखा जा चुका। अब बात करते हैं इन 3 आरोपियों की। इन पर लगभग पिछले 1 साल से सेना के मूवमेंट्स, युद्धाभ्यास, टैंक और हथियारों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगभग 4 महीने पहले शक हुआ तो इनको सर्विस लांस पे लिया, जिसके बाद पुख्ता सबूत मिलने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। अब देखना यह है कि इन पे आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।